नमस्कार, किरण रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गोभी मंचूरियन। आइए देखते हैं गोभी मंचूरियन बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। प्याज बारीक कटा हुआ, पतला कटा हुआ लंबा इस तरीके से, लहसुन बारीक कटा हुआ, अदरक बारीक कटा हुआ, शिमला मिर्च पतली पतली लंबी कटी हुई, नमक, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च ले लें दो, कॉर्नफ्लावर, रेड चिल्ली सॉस, सोया सॉस, सिरका और गोभी। गोभी को आप काट लें इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में और इसको आधा घंटा नमक के पानी में भीगने दें और उसके बाद छान लें, ताकि छान के आपकी गोभी बिल्कुल इस तरीके से हो जाए। आइए अब हम गोभी मंचूरियन बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पानी को उबाल लें। ये हमने पानी उबाल के रखा हुआ है। इसमें आप आधा छोटा चम्मच नमक डाल दें पानी में। और पानी को थोड़ा उबलने दें। इसमें हम ये गोभी डाल देंगे। 500 ग्राम गोभी है हमारी और उसके इस तरीके से पीस कर लें। बहुत छोटे भी ना हो, बहुत बड़े भी ना हो, ये पानी उबल चुका हमारा, इसमें हम इसको डाल देंगे। थोड़ा हिला लें। अब हम इसको 2 मिनट ढक के रखेंगे ताकि गोभी हमारी नरम हो जाए। अभी गोभी हमारी तैयार हो चुकी है। गैस को आप बंद कर दें। इस तरीके से छाननी ले लें, गोभी को इसमें निकाल लें। अभी गोभी इस तरीके से आप छाननी में निकाल लें। इसको 5 मिनट इस तरीके छाननी में रहने दें। जब तक ये छाननी में हमारा इसका पानी निकलता है, तब तक हम कॉर्नफ्लोर का घोल बना लेंगे। इस तरीके से कॉर्नफ्लोर ले लें, एक कटोरा, एक छोटी कटोरी। इसको बाउल में डालें। थोड़ा सा इसमें नमक डालें स्वादानुसार। और इसमें पानी डालें धीरे धीरे, इसका गाढ़ा घोल बना लें। जिस तरीके से हम पकौड़े बनाते हैं, ठीक उसी तरीके से आप इसका घोल बना लें। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें ताकि इसमें गांठें ना रहें। इस तरीके से आप घोल बना लें इसका। आप इसमें 1 चम्मच मैदा भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा आधा चम्मच लहसुन डालेंगे जो बारीक कटा हुआ है, और अदरक जो बारीक कटी है, और रेड चिल्ली डालेंगे 1 चम्मच, और आधा चम्मच सोया सॉस डालेंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इस तरीके से सब चीज मिक्स कर लें इसमें अच्छे से। और इसमें अब ये गोभी इसको डाल दें। गोभी देख लें हमारी बिल्कुल ड्राई है।
इस तरीके से इसको मिक्स कर लें अच्छे से गोभी को इस घोल में। घोल देख लें बहुत अधिक गाढ़ा भी ना हो और बहुत अधिक पतला भी ना हो। इस तरीके से इसको मिक्स कर लें। अभी हमारे इस तरीके से गोभी को तैयार कर लें आप। अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। तेल हमने पहले से रख दिया है, ये गर्म हो चुका है। तेल को गर्म कर लें अच्छी तरीके से और इन गोभी को फिर इसमें आप डाल दें एक एक करके। आप इनको पकौड़ों की तरह बना लें बिल्कुल। इस तरीके से थोड़ा इनको हिला लें और इनको बिल्कुल ब्राउन होने तक तल लें। इस तरीके से आप गोभी को ब्राउन होने तक तल लें। अभी हमारी ब्राउन हो चुकी है, गैस को थोड़ा कम कर दें। एक प्लेट ले लें, उसमें आप किचन टॉवल या नैपकिन रख लें और इनको निकाल लें। गैस को आप बंद कर लें। इस तरीके से इसको निकाल लें और ऐसे अभी हमारे बिल्कुल क्रिस्पी बन चुके हैं इस तरीके से ये। अभी बिल्कुल तैयार हैं गोभी मंचूरियन के पकौड़े, इस तरीके से बनाकर रख लें। गोभी मंचूरियन के लिए हम इसमें ग्रेवी बनाएंगे। आप कढ़ाई को रख लें और इसमें एक बड़ा चम्मच तेल डाल दें, जैसे हमने डाला हुआ है। तेल हमारा गर्म हो चुका है, तेल गर्म हो चुका है, गैस को कम कर दें। अब इसमें एक छोटा चम्मच लहसुन, एक छोटा चम्मच अदरक बारीक कटा हुआ, इसको डाल लें, थोड़ा भून लें, बिल्कुल ज़्यादा ना भूने। इसको अच्छी तरीके से भून लें, ज़्यादा ना भूने। अब इसमें हरी मिर्च काट लेंगे, जो हमने हरी मिर्च लिया, हरी मिर्च को इस तरीके से बीच में से धो कर लें और इसको बारीक लंबा कर लें इस तरीके से। इस तरीके से डाल लें और इसको भी हल्का अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालें एक छोटा सा। गैस को बिल्कुल कम रखें। प्याज को थोड़ा भून लें। अब हम इसमें ये बारीक कटी शिमला मिर्च डालेंगे इस तरीके से। एक छोटा टुकड़ा ले लें शिमला मिर्च का, उसको बारीक काट लें पतला लंबा।
और इसको थोड़ी देर भून लें जब तक शिमला मिर्च हमारी नरम हो जाए। अभी हमारी शिमला मिर्च नरम हो चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच रेड चिली सॉस, 2 चम्मच डालेंगे सोया सॉस, 2 छोटा चम्मच और 1 छोटा चम्मच डालेंगे सिरका, और इसको अच्छी तरीके से 2 मिनट इसको भून लें और नमक डाल दें स्वादानुसार। इसको 2 मिनट होने दें, अब हम कॉर्नफ्लोर का गाढ़ा घोल बना लेंगे। इस तरीके से 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लें और उसमें 1 कप पानी डाल दें, घोल को बना लें ऐसे। घोल को बहुत गाढ़ा ना बनाएं, इस तरीके से। अभी घोल तैयार हो चुका है, इसको हम इसमें डाल देंगे। और 2 मिनट को पकने देंगे ताकि ये घोल हमारा अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। अगर लगे घोल गाढ़ा हो रहा था थोड़ा आप इसमें पानी डाल दें, और इसको चलाते रहें बीच बीच में। इस तरीके से इसको अच्छी तरीके से पका लें, देख लें बहुत पतला भी ना हो और बहुत गाढ़ा भी ना हो। अब हम इसमें ये गोभी डालेंगे जो हमने पहले तैयार की हुई है, इसको इसमें डाल दें इस तरीके से। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अब हमारी गोभी मंचूरियन बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। 1 मिनट इसको होने दें, थोड़ा पकने दें थोड़ा सा इस तरीके से, ताकि गोभी में अच्छे से इसका मसाला मिक्स हो जाए। और गैस को आप बंद कर दें। एक बाउल ले लें, उसमें इसको निकाल लें। इस तरीके से आप बाउल में निकाल लें सारे मंचूरियन गोभी। अब इसको हम हरा धनिया हमने जो बारीक काट के रखा हुआ इसे गार्निश कर लेंगे। अब ये गोभी मंचूरियन हमारे बनकर तैयार है गर्मा गर्म। आप इसको खाएं और सबको खिलाएं। इसको चाहे तो आप रोटी के साथ भी खा सकती हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है।
और अधिक रेसिपी जानने के लिए आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप अपने अनुभव किरण से रेसिपी पर शेयर करना ना भूलें।